भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टॉस अब पूरा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और टॉस जीत कर किया है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का फैसला। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने साफ कहा कि पिच काफी ड्राई नजर आ रही है, ऐसे में यहाँ पर हम एक अच्छे स्टार्ट की कोशिश करेंगे। भारत की तरफ से आज टीम में दो बदलाव नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को आज रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है। वहीं उमरान मलिक को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह यहां पर मौका दिया गया है सूर्य कुमार यादव, जो कि काफी दिनों से कंट्रोवर्सी थी कि सूर्य कुमार यादव को आखिरकार वनडे मुकाबलों में मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो अब उसका जो है जवाब मिलता नजर आ रहा है। भारतीय टीम की यदि बात की जाए तो आज भारत की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। रोहित शर्मा शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद 3 नंबर पर विराट कोहली नजर आएंगे, विराट कोहली के बाद 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 नंबर की बात की जाए तो 5 नंबर पर केएल राहुल, 6 नंबर पर सूर्य कुमार यादव और 7 नंबर पर खेलते नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, 8 नंबर पर अक्षर पटेल, 9 नंबर पर कुलदीप यादव, 10 नंबर पर मोहम्मद सिराज और 11 नंबर पर मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि भारत की जो प्लेइंग 11 है वो फिलहाल काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आ रही है। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में जो गेंद है और जो मैदान है वो काफी छोटा है, लेकिन पिच जो है वो काफी स्लो रहती है, ऐसे में स्पिनर्स का रोल काफी ज्यादा अहम रहने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह बात तो तय है कि भारतीय टीम अपने स्पिनर्स का पूरे तरीके से फायदा उठाना चाहेगी। अब यह देखना होगा कि किस तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों का आज भारतीय बल्लेबाज जो है वो सामना करते हुए नजर आते हैं। खास बात यह है कि विराट कोहली का जो पहले मुकाबले में शतक आया था, एक बार फिर टीम इंडिया बेसब्री से इंतजार करेगी उसी शतक का। 45 वनडे शतक विराट जड़ चुके हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 4 शतक वो दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की अगर गेंदबाजी लाइनअप की बात की जाए तो आज भारत सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ उतरा है, जिसमें 2 यहां पर पेसर हैं और 3 स्पिनर भारतीय टीम ने खिलाए हैं, जिसकी वजह से आज अगर श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखी जाए तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 में भी आज 2 बदलाव अभी तक नजर आए हैं। दुनित विलालेगे और जेफरी वांडरसे को रिप्लेस किया गया है, वहीं धनंजय डिसिल्वा की जगह अश्विन भंडारा को टीम में मौका दिया गया है। श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा दमदार भी नजर आ रही है, तीसरे वनडे के लिहाज से ये टीम काफी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए आसान नहीं होगा भारत के लिए इस मुकाबले में श्रीलंका को हराना। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।